हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर की, जो कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। तो अगर आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो तो उस रूम में रखी चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उस रूम में लाइट ऑन कर लो या फिर आप विंडोज खोल लो उस रूम में, तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में फिर आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजों को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो अगर लाइट को डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। तो बात करते हैं अब लाइट कैसे हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने में। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आती है और जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी मैं इस कैमरे के आगे खड़ा हूँ, तो यहाँ से लाइट जो है वो कैमरे पे पड़ रही है और कैमरे से वो रिफ्लेक्ट होके वापस मेरी आईज पे पड़ रही है, जिस वजह से मेरे को कैमरा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो वहां से टकरा के वापस हमारी आईज पे आती है, तब जाके वो चीज हमें दिखाई पड़ती है। तो इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आईज तक पहुंचे सेम मीडियम में, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेम मीडियम की बात करी है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, जितनी भी लाइट रेज मेरी तरफ को प्रेजेंट हैं वो इधर से होते हुए कैमरे की तरफ को जा रही है, ठीक है, और बीच में जो एयर है वो मीडियम का काम कर रहा है जिसके थ्रू ये पास होते हुए उस तरफ को जा रही है, और उस तरफ से भी वो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके मेरी तरफ को आ रही है वो भी एयर से पास होते हुए मेरी तरफ को आ रही है। यानी दोनों केस में जब लाइट रेज इधर से कैमरे की तरफ जा रही है और कैमरे की तरफ से वापस मेरी तरफ को आ रही है, तो उन दोनों केस में एयर ही मीडियम का काम कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं सेम मीडियम। तो यहाँ पे जो लाइट रे ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंच रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सिमिलरली जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रही होती है, अगर वहीं पे हम एक परपेंडिकुलर बना दें तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसी टाइप से जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बात करते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो जो इसमें पहला लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो एंगल आई बन रहा है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखें तो जिस एंगल पे कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होती है वो उसी एंगल पे वहां से उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक। तो जो दूसरा लॉ है इसका वो है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जहां पे तीनों मीट कर रहे होंगे ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इमेज की। तो जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होती है और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके मीट करे या मीट करती हुई हमें नजर आए तो हम उसको इमेज बोलते हैं, ठीक। अब इमेज भी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वो होती है जब रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट रे किसी पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती हो तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, और अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे मीट नहीं होती है लेकिन वो ऐसे अपेयर होती है कि जैसे वो मीट कर रही हो तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आ रही है तो इसको हम रियल इमेज बोलेंगे। अगर हम दूसरी इमेज देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ए से निकल रही है और ये वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं मीट तो नहीं कर रही है इससे,
लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ को, तो ये पिछली वाली रे से पीछे की तरफ को मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसी जब इमेज बन रही होती है तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो हम इमेज को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो इसी टाइप से अगर हम रियल इमेज को डिफाइन करें तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज फॉर्मड इज कॉल्ड रियल इमेज। और इसी टाइप से अगर हम वर्चुअल इमेज को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट डज नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट देन सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो हम बात करते हैं अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस की। तो जो पहला पॉइंट है डिफरेंस का वो है, रियल इमेज आर फॉर्मड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाए तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। वहीं अगर वर्चुअल इमेज को देखें तो दे आर फॉर्मड व्हेन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगे किसी पॉइंट से आ रही हो तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर इसमें दूसरा पॉइंट देखें डिफरेंस का, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज को देखें तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन में कभी भी ऑब्टेन नहीं की जा सकती। जो अगला पॉइंट है इनमें डिफरेंस का वो है, दे आर इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी दिखाई पड़ती है। वहीं अगर बात करें वर्चुअल इमेज की, तो दे आर इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ अपराइट, यानी जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा है उसी पोजीशन में उसकी इमेज भी बन रही है। तो अब बात करते हैं मिरर की, तो मिरर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से, इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो हम मिरर को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक पॉलिश सरफेस होती है, जैसे कि कोई ग्लास होता है जिसपे जब कोई लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज प्लेन देन इट इज टर्म्ड एज प्लेन मिरर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई मिरर हो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन हो तो उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जो मिरर हम घर पे यूज करते हैं देखने के लिए या फिर शेविंग बनाने के लिए, तो उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन सरफेस होती है, इसलिए उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर से इमेजेस बनती हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर से जो हमेशा इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होगी और साथ में इरेक्ट होगी। दूसरा, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जो प्लेन मिरर की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है और जो इमेज का साइज होता है वो इक्वल होता है हमेशा। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ठीक है, तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में हो। तो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है द इमेज फॉर्मड इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट दिखती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मिरर में हम अपने आप को देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, तो इसी को हम लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की, तो जो इसका पहला यूज है वो है, इट इज यूज फॉर लुकिंग एंड शेविंग पर्पस। ठीक है, तो जो हमारे घर पे मिरर होता है उसमें प्लेन मिरर होता है जिसको हम देखने के लिए यूज करते हैं या फिर शेविंग बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप विच इज यूज इन सबमरीन्स। तो प्लेन मिरर को पेरिस्कोप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि एक डिवाइस होता है जो कि सबमरीन्स में लगा होता है, जिससे हम नीचे से भी ऊपर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तीसरा जो इसका यूज है वो है, यूज एज ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स
टू सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड्स, ठीक है, जहां पे कई बिजी रोड्स होती हैं और उनमें ऐसे टर्न्स होते हैं जहां पे हम डायरेक्टली दूसरी साइड से आते हुए व्हीकल को नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे रोड्स की टर्न्स पे ये मिरर यूज किया जाता है ताकि दूसरी साइड से कोई भी व्हीकल आ रहा हो तो वो आसानी से उसमें दिख जाए, ठीक, और एक्सीडेंट या कोई भी मिस हैपनिंग हो उससे बचा जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।